प्रॉब्लम नंबर वन को देखते हैं गाइस। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट, आपने कवर कर लिया। अब शॉर्ट क्वेश्चंस को देखो। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये आता है, डिस्क्राइब ब्रीफ एंड एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फीचर इन द फिनोमेना ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बताओ, आपने पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो जो आपने ऑब्जर्व किया उसको पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया। पहला ऑब्जर्वेशन तो आपका ये था कि एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होता है जब आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन ला करके गिराते हैं मेटल सरफेस पर। अगर उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन नहीं डालेंगे तो कहीं पर भी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशंस नहीं होगा। तो उस फोटोन की मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसके लिए है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी? किसी पर्टिकुलर मेटल के सरफेस के लिए है थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक्चुअल में उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को आप थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दूसरा ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। इससे ये पता लगता है कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आके गिरते हैं। जब नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा आके गिरेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, करंट ज्यादा हो जाएगी। तो इंटेंसिटी के करंट सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। सेकंड पॉइंट आपको यह वाला भी क्लियर हो गया। तीसरा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स बिकम जीरो। अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट को आप जीरो कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? आप एनोड पर निगेटिव पोटेंशियल लगा दो। तो एनोड पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचने वाले थे, निगेटिव पोटेंशियल की वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से वापस आ जाएंगे। तो वो निगेटिव पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दे इलेक्ट्रॉन की, वो कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये भी क्लियर हो गया होगा। तो थर्ड वाला पॉइंट ये भी आपके लिए क्लियर हो गया। फोर्थ वाले पॉइंट में देखिए, द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब क्या है इसका? जो एक्चुअल में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? अगर आप ज़्यादा एनर्जी का फोटोन डालते हैं। अगर ज़्यादा एनर्जी कैसे करोगे आप? उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो। क्योंकि एक्चुअल में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी को वैनिश करता इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी को वैनिश कैसे करेगा? अब जाहिर सी बात है, आपने ज़्यादा एनर्जी का फोटोन डाला है तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, जिसकी वजह से मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद दो पॉइंट और बचते हैं आपके पास, ये है, मैं इनको यहाँ ले लेता हूँ। ओहो हो, किलोन बन गए इनके, किलोन बन गए। ओहो हो, और भी किलोन बन गया भाई। मैं इसको ऐसा कर देता हूँ ना, किलोन पे किलोन बनते जा रहे हैं, क्रॉप। ठीक है, वाओ, ये सही हुआ। देखो भाई, अगला पॉइंट इसमें ये है कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। वही वाली बात, काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर कर रही है? जो भी फोटोन आगे गिरने वाला है उसकी एनर्जी पर, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन आगे गिरेगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको होप सो क्लियर होगा। मैं इसको छोटे ही कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको थोड़ा आसानी हो जाए। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगला पॉइंट देखो, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट टू द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब ये है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करती नहीं है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ये वाला बात भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट है जो कि सातवां है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है ना, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। जैसे ही फोटोन आके गिरेगा, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, कोई टाइम लैग नहीं होता। बस ये सारे पॉइंट्स आप इसको समझ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मार, अच्छे से मारो इसका स्क्रीनशॉट और सेव कर लो अपने पास।